हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग ग्रामर का पार्ट देख रहे थे क्लास टेंथ के इंग्लिश के टर्म टू के लिए। तो इसके पहले भी टर्म पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पार्ट थर्ड में आप लोगों के लिए क्या है। देखिए, पार्ट थर्ड में आप लोगों के लिए यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को ना सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को कह रहा है यहाँ पर, राइट ए इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, या तो आप लोगों को गेम के ऊपर पूछ लेगा, या तो आप लोगों को न्यूज़पेपर के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोगों को कुछ लेख लिखना होगा। ठीक है ना, तो एक लेख लिखना है आप लोगों को न्यूज़पेपर पे और गेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। अब देखिए, जिनके पास इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर नहीं है वो यहाँ से देख करके आप नोट कर सकते हैं। कम से कम 10 लाइन आप लोगों को याद करके जाना है। और ये जो इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले देख लिया, न्यूज़पेपर आर एवरी यूजफुल इन मॉडर्न लाइफ। ठीक है, दे आर द सोर्स ऑफ बोथ इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। दे गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इवेंट्स टू अस फ्रॉम ऑन ओपिनियंस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद एवरी रीडर्स गेट सम मटेरियल्स फॉर हर हिमसेल्फ इन न्यूज़पेपर। द गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मूवीज, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड मार्केट्स प्राइसेस। Those who are in search of jobs and find advertisement for various jobs in newspaper. Beside reading newspaper improves our language. Thus, we can say that newspaper are a part of our daily life. तो ये जो होता है, आप देखिए यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ फुल स्टॉप पे रुका, ये वन लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कम 10 लाइन आप लोग याद करके जाइएगा, तब आप लोग वहाँ पे 7 लाइन 8 लाइन कम से कम लिख कर आइएगा, है ना। तो 10 लाइन जरूर से ज़रूर याद करने का कोशिश करें ताकि वहाँ पर 7-8 लाइन लिख पाएँ। ठीक है, जिसको पूरा याद रहेगा वो पूरा लिख पाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है, राइट ए लेटर टू अंकल थैंक हिम फॉर नाइस बर्थडे गिफ्ट। यानी आपके अंकल ने आप लोगों को, आपको जो बर्थडे गिफ्ट दिया था उसको थैंक बोलने के लिए एक लेटर लिखना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आप लोग अपना यहाँ पर शहर का नाम और डेट दे दीजिएगा। डियर अंकल, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन बर्थडे। है ना, बर्थडे में क्या भेजा, घड़ी भेजा। व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट डिलाइटेड ऑन माय बर्थडे पार्टी। है ना, यहाँ से आप जो है इसको पूरा नोट कीजिए और स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ज़्यादा पढ़ने से वीडियोज़ लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख पाते हैं, ये पूरा इसका स्क्रीन शॉट मारिए आप, उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, जहाँ पे सुरेश लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप इसको वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपका जो मॉडल सेट में पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए अगला है जो एप्लीकेशन आपको लिखना था, राइट ए लेटर चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट दिस इंस्टेटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। है ना, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो कुल मिलाकर या तो इसके बारे में बोलेगा या तो साफ़ सफाई के बारे में बोलेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखने के लिए। तो उसके लिए भी आप देख लीजिए किस प्रकार से लिखा। देखिए, इस प्रकार से आप लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर लिखना है, टू द म्यूनसिपल कमिश्नर रांची। यहाँ पे आप अपने शहर का नाम दे दीजिएगा, सर। उसके बाद यहाँ से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए किस तरह से आप लोगों को लिखना है और एंड किस प्रकार से करना है, ये काफ़ी मायने रखता है। बीच में तो आप बना बना कर अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एंड जो है आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड में देखिए क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को लिखना है। और ये जो एंड का तरीका है, किस तरह से आखिरी करते हैं हम लोग, ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,